अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप क्या कर रही हैं? खाना बना रही हूँ। कुछ स्पेशल है? बच्चियों ने बाकी लोगों के साथ डिनर पे जाने से मना कर दिया ना, तो उनके लिए उनका स्पेशल फेवरेट चाइनीज फूड बना रही हूँ। तो आप एक काम करिए, आप ये खाना बड़े में भी और नूपुर के कमरे में मत ले जाएगा, अपने कमरे में ले जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपके कमरे में आपके लिए और बड़ी बेबी नूपुर के लिए सरप्राइज प्लान किया है। कैसा सरप्राइज? अगर बोल लूंगा कि क्या सरप्राइज है तो वो सरप्राइज कैसे रहेगा? सॉरी। जल्दी आइए, हाँ बड़ी बेबी नूपुर, आप दोनों मैडम जी के कमरे में आ जाइए। कृष्णा भी ना, क्या प्लान किया होगा इसने? मैडम जी आपने कितना टाइम लगा दिया है, बड़ी बीबी और नूपुर आती होंगी, ये सब आप मुझे दीजिए। ये कैंडल्स रह गई। ये सब तुमने किया? जी मैडम जी। अकेले? हाँ। इतने सारे बलून और टीवी पे हमारा फेवरेट कार्टून भी है। ये टीवी इधर कौन लाया मम्मी? और मम्मी इतने सारे बलून किसने लगाए? आपने? नहीं वो। हाँ हाँ मैडम जी ने ही लगाए, आप दोनों के लिए बलून्स लगाए, कैंडल्स लगाई, आपका फेवरेट कार्टून भी लगाया, और तो और आपका फेवरेट खाना चाइनीज फूड भी बनाया। वाह मम्मी, आज तो खाने में बहुत मजा आएगा। हाँ मम्मी बहुत मजा आएगा। तुम कहाँ चले? मुझे भूख नहीं है, और आपको तो पता ही है ना कि मुझे कार्टून देखना अच्छा नहीं लगता है। मैं भी फिलहाल थोड़ी स्केचिंग कर रहा हूँ, भूख लगेगी तो खा लूंगा, आप लोग खाइए। मैं जानती हूँ कृष्णा कि तुम ये जानबूझकर कर रहे हो, क्योंकि आस्था नूपुर आज बाहर नहीं जा पाई ना, तो हम माँ बेटियाँ एक साथ यहाँ खा सके। मैं आप तीनों के बीच कभी नहीं आऊंगा मैडम जी, आप सब एक साथ खाइए, खुश रहिए। आपने कहा था ना कि जिससे प्यार करते हैं उसके प्रति जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, तो मैं तो बस बड़ी बीबी और नूपुर को खुश करके अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैडम जी। कृष्णा को लेकर घर में किसी को आपको कोई सवाल नहीं करने दूंगी, प्रॉमिस। बस लौट आइए, नहीं रहा जाता अब आपके बिना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।